हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है, आप सब लोग पहले से जानते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम आरआरबी एसओ जो एग्जाम हुआ, 3-4 दिन हो गया एग्जाम को, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। 3-4 शायद ज्यादा हो गए हैं ना, लेकिन हम लेट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने नबार्ड ईआरडी का एनालिसिस भी नहीं किया था। मैं सिर्फ उसे क्वेश्चन देने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सेशन में ज्यादा टाइम जाएगा, मॉक टेस्ट के फॉर्म में बना के दे दूंगा तो कम टाइम के अंदर कवर हो जाएगा। देन आई रियलाइज कोई भी नहीं कर रहा है यार, है ना, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, तो जो किसी के पास नहीं है फिर हमारे पास तो होना चाहिए। तो मुझे लगा फिर चलो आरआरबीएसओ का एनालिसिस करते हैं। और आप लोग, बहुत सारे लोग, जब मैंने आपको एक मॉक टेस्ट दिया आरआरबीएसओ का 40 के 40 क्वेश्चन का, तो आप बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि आरआरबीएसओ के पेपर का जो है उसको एनालाइज किया जाए, उसके क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। सो आई थॉट कि ये वाला सेशन प्लान करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है और मेरी वीडियो दिख रही है तो एक बार के लिए आर लिख दीजिए। आर मतलब आप लोग रेडी हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, डन, परफेक्ट, ठीक है। सो आरआरबीएसओ के बारे में सारे लोग जानते होंगे। इसके अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और 40 क्वेश्चन इसमें एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछे जाते हैं। एंड मैं आपके साथ 40 के 40 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। 38 क्वेश्चन एक्यूरेट है, 2 क्वेश्चन में थोड़ा मैंने लैंग्वेज का एडजस्टमेंट किया हुआ है, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन विद 5 ऑप्शन देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को एग्जैक्ट बनाया गया जैसा पेपर में पूछा गया था। बिकॉज आपको पता है आजकल के एग्जाम नबार्ड एआरडी थोड़ा इजी होता है, बिकॉज वो सब स्ट्रीम के लिए सेम होता है, बट उसके अलावा जो एग्जाम है आईबीपीएस एएफओ पिछले साल का देखिएगा और इस साल का आरआरबीएसओ, पेपर सारा का सारा डिपेंड ही क्वेश्चन की लैंग्वेज पे करता है। मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर कि देखो लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर लैंग्वेज पे कमांड बना ली जाती तो इजिली आप उसका आंसर कर सकते। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ये वाला जो टेस्ट, मतलब आरआरबीएसओ के जो क्वेश्चंस है, ये हमने हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर ओवरऑल टेस्ट के सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। अगर आपने आरआरबीएसओ का वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है तो अटेम्प्ट कीजिए, कर लिया तो फिर तो नहीं करना, सॉरी, लेकिन नहीं किया तो प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आंसर तो आप देख लेंगे, लेकिन एक बार खुद को चेक कीजिए कि क्या आपको सफिशियंट नॉलेज है कि नहीं। और जेन्युइनली अगर आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है या फिर करने वाले हैं, आउट ऑफ 40 मार्क्स अगर आपके नंबर 20-22 के आसपास आ गए हैं ना, तो आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। लेकिन अगर 15 बिलो नंबर आए ना आपके 40 में से, तो फिर मुश्किल चल रहा है। आप बोलेंगे कि सर 20 मार्क्स तो बहुत कम है। नहीं यार, पेपर थोड़ा ऐसा था कि उसमें 25 के आसपास मैक्सिमम ले पाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा 28 से 30 पे जाएगा। मैंने वो टेस्ट दिया था, बहुत सारे बच्चों के 40 में से 40 भी है, लेकिन वो जेन्युइन स्कोर नहीं है। 40 में से 40 इस पेपर के अंदर नहीं लिए जा सकते। इवन आपको पता है आईपीएस एएफओ के अंदर भी जो टॉपर होता है ना इंडिया का, वो भी आउट ऑफ 60-53 के आसपास रुक जाता है। तो इसमें 30 क्वेश्चन मैक्सिमम किए जा सकते हैं, बट अगर आप 20-22 कर लेंगे ना, तो ये आपका अच्छा स्कोर होगा। 15 से बिलो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो जाइए टेस्ट सीरीज के अंदर अटेम्प्ट कर लो। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ऐप पे है आपका आरआरबीएसओ के लिए भी, और नबार्ड एआरडी 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था, वो भी दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में डाल दूंगा, ताकि आप चेक कर पाए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। आपको पता है आरआरबीएसओ ने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जो सबके लिए नए नए थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए उसी तरह क्वेश्चन होगा। यहां पे बोला गया पैरामिजियानो रेजियानो इज अ, पैरामिजियानो रेजियानो नाम से ही समझ आ रहा है, इंग्लिश वर्ड तो नहीं है। आप बोलेंगे सर इंग्लिश ही तो है, नहीं एक्चुअली इटालियन वर्ड है, इटालियन ब्रांड है ये चीज का, राइट। तो इन्होंने बोला था पैरामिजियानो रेजियानो इज अ, क्या है ये, गरुड़ा चीज है नीदरलैंड से, पास्ता फिलाटो चीज लाइक मोजरेला इन इटली, वेरी हार्ड रिपन वेराइटी ऑफ पैरामिजियन चीज ऑफ इटली, या फिर ग्रीन चीज लाइक पनीर इन इंडिया, रिपन वेराइटी ऑफ सॉफ्ट स्वीट चीज। चीज सारे लोग जानते होंगे, पनीर और चीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। पनीर बॉयल करने पे मेल्ट नहीं होता, कुकिंग टेम्परेचर मेल्ट नहीं होता, लेकिन चीज जो पिज्जा बर्गर के अंदर डाला जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पैरामिजियानो रिजियानो जो है वो क्या है, वो एक जो हार्ड वेराइटी है ना, बहुत ज्यादा ये हार्ड होता है, इटली का ये ब्रांड है। और यहां पे जो आंसर आएगा इसका, वो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर विल बी सी, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। बोला गया था क्वेश्चन नंबर 2, द बिल्ट मोर स्टिक इज अ टूल यूज्ड इन, बिल्ट मोर जो स्टिक है उसे किसके लिए यूज किया जाता है। बिल्ट मोर जो स्टिक है ना, ये फॉरेस्ट्री का पार्ट था। फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री होते हैं उनकी डायमीटर को जो मेजर करना है,
फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री है उनके डायामीटर को मीजर करने के लिए DBH डायामीटर एट ब्रेस्ट हाइट वर्ड को यूज किया जाता है, जो DBH होता है 1.3 मीटर या फिर लगभग 4.5 फीट के आसपास होता है, 1.3 मीटर या 4.5 फीट के आसपास। तो 4.5 फीट जो है, 4.5 फीट जो हाइट है, वो हाइट पे उसका डायामीटर क्या है उसको मीजर करने के लिए हम यूज करते हैं बिल्ट मोस्टिक को। तो यहां पे आंसर आएगा फॉरेस्ट्री। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे जो आपका पेड़ है उसको मीजर किया जा रहा है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इमोबाइल इन सोयल बट मोबाइल इन प्लांट। ये आसान क्वेश्चन था, आप सारे लोग आंसर जानते हैं, बिकॉज जो सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है कुछ ऐसे हैं जो सोयल में इमोबाइल होके प्लांट में मोबाइल हो जाते हैं। यहां पे ऐसा ही बोला गया कि जो सोयल में इमोबाइल है बट प्लांट में मोबाइल है, इसका आंसर जल्दी से दे दो। ये सब सारे लोग इसका आंसर सही लिख रहे हैं, राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, राइट आंसर विल बी फॉस्फोरस। डेट आपके पास नहीं होगा तो नोट कीजिएगा, वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा देखना, समझ जाओगे यहां पे दिया गया कौन कौन से प्लांट में और कौन कौन से सोयल के अंदर मोबाइल इमोबाइल और लेस मोबाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, आपको पता है अभी आप YouTube पे वीडियो ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम प्रेशर ना आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने बहुत डिफिकल्टी पैदा करेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, वो जो पेड़ पौधे से रिलेटेड है, कि मैं अगर कवरिंग कर लूं, कवरिंग मतलब कवर क्रॉप लगा दूंगा तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हो जाएगा वो। विच इज एन इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस दैट इज नॉट ओनली प्रिवेंट सोइल इरोजन बाय डिसिपेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप्स बट ऑल्सो फैसिलिटेट इनफिल्ट्रेशन एंड इंप्रूव सोयल स्ट्रक्चर विच इवेंचुअली एनहांस क्रॉप फील्ड, है ना। इसने क्या बोला कि भाई इरोजन को तो कम करेगा करेगा, सोयल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, प्लस फील्ड के अंदर प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करता है। टिलेज ऐसा होगा, कंटूअर फार्मिंग होगा, मिक्स क्रॉपिंग होगा, इंटरक्रॉपिंग या मल्चिंग। देखो टिलेज को तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में ले जाने से पहले मैकेनिकल मीजर के अंदर ले जाना पड़ेगा, तो टिलेज तो आंसर हो नहीं सकता। कंटूअर फार्मिंग हो सकता है शायद, लेकिन आप मुझे बताइए राइट आंसर क्या आएगा, कंटूअर, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग या फिर मल्चिंग। लॉजिकली समझ के देखिए, यहां पे रेन ड्रॉप्स के इंपैक्ट को भी कम करेगा, तो ऑफकोर्स यस, है ना। रेन ड्रॉप के इंपैक्ट को टिलेज कैसे कम से कर सकता है जो बच्चा टिलेज लिख रहा है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको जाना पड़ेगा किसके साथ, मल्चिंग के साथ। मल्चिंग जो है ये सारे काम करेगा। अब एक बार मल्चिंग को पढ़ो, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, आप समझ पाएंगे कि हाँ सर, रेन ड्रॉप्स के इंपैक्ट को भी कम करता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करता है, प्लस क्रॉप के फील्ड को एनहांस करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, करता है कि नहीं करता। आसान था ना क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज बड़ी थी, टाइम कंज्यूमिंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला गया, हेन एंड चिकन इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। ये सभी को पता है यार, है ना, इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ये किसका होता है, यस ये ग्रेप्स का होता है। नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट मतलब न्यू क्वेश्चन था, सोर्जन सिस्टम ऑफ राइस प्रोडक्शन इज फॉलोवर्ड इन। आपको पता है सोर्जन क्या है, सोर्जन एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर स्ट्रिप्स बनी हो। स्ट्रिप्स का मतलब जैसे यार होता है ना, ये तो मेरी शर्ट थोड़ी अलग है, ऐसे अगर लाइन में हो, ये एक लाइन है, दूसरा कलर है, अरे मैं दिखाई देता हूं आपको, यार ये देखो, है ना। सोर्जन सिस्टम इस तरह का, सोर्जन एक इंडोनेशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है इस तरह से स्ट्रिप्स होना कपड़े के ऊपर। लेकिन फिलहाल कपड़े की बात नहीं करी, फिलहाल सोर्जन सिस्टम ऑफ राइस प्रोडक्शन कहां फॉलो किया जाता है, इसका आंसर क्या है, इंडोनेशिया। वो सोर्जन है ही इंडोनेशियन वर्ड जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया। अब बोलेंगे सर सोर्जन से मतलब क्या हुआ, अरे भाई ये देखो पट्टियां है ना, इसी तरह से राइस को ग्रो किया जाता है, क्या करते हैं वहां पे राइस के साथ साथ फिश फार्मिंग को लिया जाता है। तो ये जो नीचे का एरिया है जहां पानी खड़ा हुआ है, यहां राइस को ग्रो किया जाता है, और जो ऊपर रिज है, जो उठा हुआ एरिया, जो रेज्ड बेड है, वहां पे एक ड्राई लैंड क्रॉप को ले लिया जाता है। तो एक ही फील्ड में आप क्या कर रहे हो, मछलियां भी पाल ले रहे हो, अब फील्ड में क्रॉप को, जो राइस है, पैडी को ग्रो कर रहे हो, साथ साथ ड्राई लैंड क्रॉप को भी ग्रो कर रहे हो। तो इतना सारा मॉइस्चर है, थोड़ा बहुत ये भी यूज कर लेगी, तो बदले में क्या मिलेगा आपको, उतने से वॉटर से डबल प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। दिस इज नोन एज सोर्जन सिस्टम ऑफ राइस प्रोडक्शन। यूज कहां किया जाता है, कौन सी कंट्री में, वो आपको पता चल चुका है, ठीक है। Yes, out of the box, भाई इस बात के लिए मानना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा 28 टू 30 वरना 25-26 के आसपास एवरेज स्कोर रहेगा, जो अच्छा स्टूडेंट है, जो सेलेक्ट होने वाला है। 15 से बिलो अगर स्कोर आएगा ना मॉक टेस्ट में आपका इस वाले में, तो गड़बड़ है। लेकिन 20-22 अगर चल रहा है ना, तो आप सही प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, 40 में से 40 एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, फिर हम बड़ा अजीब लगता है कि मेरे नंबर तो बहुत कम है। ऐसा नहीं है यार,
20 से 25 अगर इसमें कर लोगे ना, दैट मींस परफेक्ट स्कोर है इस स्टेज पे, बिकॉज अभी तो इंप्रूवमेंट आप करने वाले हो ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आप करोगे यार बहुत अच्छे से करोगे। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वाला क्या, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DNRLM has a provision of uniform interest subvention, 7% भी आपको लोन मिलता है इसमें, all district of the country at interest rate of 7% per annum on all credit from the bank financial institution aviated by women SHG for a maximum loan amount of, तो women SHG लोन तो ले लेगी, लेकिन 7% interest rate पे कितने लाख तक का लोन है जो उन्हें 7% पे दिया जाएगा? Right answer क्या आएगा बताइए? Yes, KCC जैसा ही है, ठीक बोल रहे हैं, KCC जैसा ही आंसर आएगा। 7% पे जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 lakhs। आपको पता होगा जो एडिशनल सबवेंशन है KCC के अंदर, वहां भी लिमिट 3 lakhs है, लेकिन वो 4% के लिए है, एडिशनल 3% का सबवेंशन वहां और मिल जाता है, लेकिन यहाँ KCC ने स्कीम अलग हो गई है, तो राइट आंसर कितना है? 3 lakhs। ये आसान था, इस क्वेश्चन को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कह सकते। आप प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, बाकी आप AFO के लिए कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, सब की सब चीजें करवाएंगे। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बोला गया था टेम्परेचर एंड टाइम कॉम्बिनेशन फॉर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन। जनरली हमने UHT को पाश्चराइजेशन के लिए पढ़ा हुआ है, लेकिन पेपर में पाश्चराइजेशन नहीं स्टेरिलाइजेशन ही लिखा गया था। द टेम्परेचर एंड टाइम कॉम्बिनेशन फॉर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, ये आसान है बिकॉज आप लोगों ने पाश्चराइजेशन के 3 मेथड पढ़े हुए हैं। एक आपने पढ़ा हुआ है लो टेम्परेचर होता है तो लॉन्गर टाइम हो जाता है, दूसरे में टेम्परेचर हाई करते हो तो शॉर्टर टाइम हो जाता है, तीसरे में तो भाई साहब 1 से 5 सेकेंड के लिए आप अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कर देते हो, 1 से 5 सेकेंड के लिए, तो आंसर ये वाला आना ही नहीं है, है ना, 5 से 10 बचा ऑप्शन आपके पास सी, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया? सी। लेकिन आपको याद होगा UHT के लिए आप किसी लोगों पढ़ा होगा 132 से 138, किसी ने पढ़ा होगा 140 से 142, लेकिन यहां पे देखो क्या दिया गया, 130 से 150। ये भी ध्यान रखना, जो आप पढ़ रहे हैं ना एग्जैक्टली वैसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ब्रेन की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी कि जिस तरह क्वेश्चन है उस तरह से आंसर किया जा सके। आगे चलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी डार्क कलर्ड फेरोमैग्नीशियम ट्रैप रॉक like gabbro in composition but fine textured and often weathered slowly giving rise to rocky shallow soil, after sufficient weathering it gives rise to highly productive soil। फोटो आपके सामने लगी हुई है, आपको बताना है किसकी बात यहां पे की जा रही है। जो लोग आंसर बता रहे हैं, अगर तो आपने टेस्ट दे दिया और आंसर देख लिया तो अलग बात है, बट अगर आप बिना देखे बता रहे हैं ना तो फिर आपकी प्रिपरेशन अगेन बहुत अच्छी है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड था क्वेश्चन, उतना इजी इसका आंसर नहीं हो पा रहा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आइडियल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन ऑफ सिल्क वॉर्म एग्स आर, तो कितना होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी और उसके बाद क्या, पहले आपका टेम्परेचर फिर ह्यूमिडिटी, बताइए राइट आंसर क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन आसान था, ये सबको आना चाहिए। आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए आंसर कीजिए, नहीं आ रहा गलत आंसर कीजिए, सर गलत क्यों करें, नेगेटिव मार्किंग, अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि गलत करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इंसान ना एक बार तो नहीं करेगा फिर सीखेगा, या फिर गलत करेगा फिर सीखेगा, सीखने के चांस ज्यादा तब होते हैं जब वो गलत करता है। आपको पता है ना सड़क पे खड्डा होगा ना और आप निकल गए तो कभी ना कभी गिरोगे उसमें, लेकिन एक बार गिर गए ना अब दोबारा नहीं गिरोगे। गलतियां करना बहुत जरूरी है, हर परफेक्ट पर्सन की लाइफ में बहुत सारे इम्परफेक्शंस भी होते हैं। आंसर दीजिए, राइट आंसर यहां पे क्या लिख रहे हैं? सी। कोई कह रहा है क्वेश्चन को हिंदी में भी ऐड कीजिए, सर प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत सारे एग्जाम है जो ओनली इंग्लिश के अंदर, ADO हरियाणा का जो पेपर है ओनली इंग्लिश होने वाला है, पंजाब का पेपर ओनली इंग्लिश होने वाला है, तो अगर आप अपना भविष्य उज्जवल देखते हैं ना तो इंग्लिश के साथ चलिए, हर जगह हिंदी नहीं मिलेगी, और अगर हिंदी करवा भी लेंगे ना हिंदी वाले किताबों में इन 40 में से 15 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, पेपर बहुत एडवांस लेवल पे चले गए हैं। ओके तो राइट आंसर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है और जो RH है वो 80% हो जाएगा। अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आपको पता होगा जो इंडिजिनस ब्रीड है उनके डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए क्या चलाया गया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया है। अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन द 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर जहां पे इंडिजिनस ब्रीड का डेवलपमेंट ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा जाएगा, तो ये 2 जो कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर है आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच 2 स्टेट, कौन से 2 स्टेट में बन रहे हैं, MP हरियाणा, हरियाणा कर्नाटका, न्यू दिल्ली आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, UP और पंजाब। देखिए अगर मैं तुक्का मारना चाहूंगा है ना तो हरियाणा कर्नाटका नहीं बनता यार, किसी में भी मेजर यहां पे काउज नहीं है,
एमपी हरियाणा पॉसिबल आंसर हो सकता है, न्यू दिल्ली आंध्रा नहीं बन सकता आंसर, आंध्र प्रदेश एमपी पॉसिबल आंसर बन सकता है, यूपी पंजाब शायद 50-50 बन भी सकता है नहीं भी। तो तीन तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, लेकिन दो में कंफ्यूजन है। राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर बनाए जा रहे हैं दो कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। करेक्टली डिफाइन द टर्म, किस टर्म को, ट्रांसह्यूमंस, ट्रांसह्यूमंस टर्म्स के बारे में पूछा गया था। ट्रांसह्यूमंस पता क्या होते हैं, आपने देखा वो जो सड़कों पे पशुओं के झुंड को लेके जा रहे होते हैं, पशुओं के झुंड को आज यहां पे लेके जा रहे हैं, फिर सीजन के हिसाब से कहीं और चले जाएंगे, तो बोला सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विद देयर एनिमल अप एंड डाउन टू द माउंटेन्स। आपने देखा ना, इस तरह से पहाड़ों के अंदर कभी यहां तो कभी वहां, है ना, चल देते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना पशुओं को चराने का, इसे बोला है ट्रांसह्यूमंस। ट्रांसह्यूमंस सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विद देयर एनिमल अप एंड डाउन इन द माउंटेन्स। इसे आप लाइव स्टॉक का माइग्रेटरी सिस्टम भी कह सकते हो, लेकिन माइग्रेटरी प्लेन्स के अंदर भी होता है और हिली के अंदर भी होता है। फिलहाल माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो टर्म आई यूज किया गया वो क्या है, ट्रांसह्यूमंस। कोई कह रहा राजस्थान में भी होता है, योगेंद्र जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, राजस्थान में होता है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे भेड़ बकरियां काओ, यूपी के अंदर बोलेंगे तो वहां बफेलोज आपने देखी होंगी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वाला गया टीएमबी। टीएमबी इज अ मेजर पेस्ट ऑफ, देखो ऐसे क्वेश्चन, अब कभी कभी ये भी होता है कि बच्चा देखता है ये कौन से नोट्स में से आया, ऐसा नहीं है, एक ही सोर्स इतने सारे क्वेश्चन एफिशिएंटली कवर नहीं कर सकता, रीजन वो सोर्स क्या होता है, समराइज होता है। अब यहां पे देखो टीएमबी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है, फिर आप शायद आंसर का तुक्का लगा सकते हैं। TMB की फुल फॉर्म को बता सकता है क्या, टी फोर तो टी ही है, टी का मतलब टी जो सुबह शाम पीते हैं हम लोग यार, है ना, तो टी की फुल फॉर्म क्या बताओ जरा। अच्छा आप बता रहे हैं, जब तक मैं आंसर बता दूं, यहां पे आंसर क्या आएगा, सी कैश्यू, एंड टी की फुल, TMB की फुल फॉर्म है टी मॉस्क्यूटो बग्स। ये TMB जो है एक सीरियस डिसऑर्डर है, अटैक करता है किसके ऊपर, कैश्यू के ऊपर। डू यू नो व्हाट इज कैश्यू, ऑफ कोर्स यस, काजू की बात कर रहे हैं। तो TMB वाले केस में आंसर क्या था, आंसर था आपका कैश्यू। 14 पे चलते हैं, पूसा 1431 2018 के अंदर ये वाली वैरायटी लॉन्च हुई है। रीसेंट वैरायटी से क्वेश्चन पूछा गया, पूसा 1431 किसकी वैरायटी है, ऑफ कोर्स आप लोग फोटो से समझ गए हैं, पूसा 131 जो वैरायटी है वो किसकी है, ग्रीन ग्राम की। आगे चलते हैं, एक बार यस बता दो, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जितना कर रहा हूं सफिशिएंट है ना, बिकॉज मैं बहुत टाइम कंज्यूम नहीं करना चाह रहा, आपको लगता हो समझ नहीं आ रहा, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट मुझे लग रहा है कि 40 क्वेश्चन है तो 40 मिनट्स के अंदर हो जाने चाहिए, ताकि टाइम कम लगे और हमें एफिशिएंसी ज्यादा मिले, नॉलेज ज्यादा मिले। लंबी लंबी वीडियोस देखने से टाइम वेस्ट होता है, इस टाइम पे AF4 FCA दोनों की वैकेंसी है, जितना टाइम को एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे ना उतना लाइफ में आगे जाएंगे। एंड हाँ, अब बोल रहा हूं तो ये बता दूं आपको, प्लीज यार सब लोग FCI और AFO दोनों की तैयारी करना, अपने मनोबल को कमजोर मत होने देना कि नहीं यार मुझसे ये हो नहीं पाएगा। करने वाले लोग जो सेलेक्ट होंगे ना वो दोनों ही कर रहे होंगे, और हो सकता है वो तीन तीन भी कर रहे हो और हम दो पे ना जा पाए। तो प्लीज अपनी लिमिटेशन डिसाइड मत कीजिए, अपनी बाउंड्री से आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि जितनी चादर उतने पैर पसारने पड़ते हैं, चादर बड़ी की जा सकती है यार, तो पसारो बड़े पैर। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट का आंसर बता दिया बच्चों ने, नेम द सिल्क वर्म विच हैव वन जनरेशन इन अ ईयर। कहानी यहीं पे क्लियर होगी, एक जनरेशन एक साल के अंदर, आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज लार्वल बॉडी साइज, गुड क्वालिटी कोकून फिलामेंट, बट ससेप्टिबल टू द फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट एंड पुअर लीफ कंडीशन। फटाफट क्यों पढ़ा, क्योंकि आंसर मुझे यहां से पता चल गया ना, तो पेपर में फिर फटाफट से पढ़ो ताकि समझ पाओ। तो वन जनरेशन की बात कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या जाएगा भाई, दो बोलता तो बाई वोलेटाइन, तीन बोलता तो ट्राई वोलेटाइन है, या फिर ज्यादा बोलता मल्टी वोलेटाइन, बट एक है तो वो क्या हो गया, यूनिवोलेटाइन सिल्क वर्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू पिग, आसान क्वेश्चन था, बेलोइंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बेलोइंग किसके लिए होता है भाई, बेलोइंग तो साउंड प्रोडक्शन होता है यार। ब्रूडिंग की बात करेंगे, इंक्यूबेशन और ब्रूडिंग जो है तो पोल्ट्री के अंदर होता है, किडिंग की बात करेंगे बकरी के अंदर होता है, काविंग की बात करें काउ के अंदर होता है। आसान सा क्वेश्चन था, राइट आंसर क्या आ जाएगा, यस कपलिंग और फैरोइंग दोनों किसके अंदर होते हैं, आपके पिग के अंदर होता है। कपलिंग की बात करेंगे तो मेटिंग होता है, फैरोइंग की बात करेंगे तो पार्चुरेशन होता है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा सारा क्वेश्चन है भाई पर आसान है क्वेश्चन, क्या बोला गया, विच अमंग द फॉलोइंग आर कमर्शियल यूनिट ऑफ एग्री वेंचर। वेंचर का मतलब क्या होता है, बिजनेस, जैसे वेंचर कैपिटल होती है जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। एग्री वेंचर एस्टेब्लिश बाय ट्रेन्ड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, मतलब जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग लेके आए हैं, विच मे इंक्लूड मेंटेनेंस एंड कस्टम हायरिंग ऑफ फार्म इक्विपमेंट। उनके पास क्या है, फार्म इक्विपमेंट मतलब ट्रैक्टर है, मशीनरी है जिसको वो रेंट पे दे सकते हैं, सेल ऑफ इनपुट करेंगे, अदर सर्विसेज इन एग्रीकल्चर अलाइड एरियाज इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केट लिंकेज फॉर इनकम जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।
क्या देख पा रहे हो करना क्या चाह रहा है, आपका टाइम कंज्यूम करना चाह रहा है, वरना बात तो मेरे हिसाब से ना इतने पे भी खत्म की जा सकती है कि भाई कस्टम हायरिंग जो वो कर रहे हैं इक्विपमेंट की वो कौन होंगे, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स हब, स्मॉल फार्म एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एग्री बिजनेस सेंटर या एग्री क्लिनिक। देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्लिनिक तो सर्विसेज वाले केस में आएगा, यहां पर तो ये मशीन भी दे रहे हैं, हो सकता है एग्री बिजनेस और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये जो ट्रेंड स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रेंड स्पेशलिस्ट मतलब मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, एग्री बिजनेस सेंटर के साथ, ACNABC मतलब एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर में जो सब्सिडी है, जो ट्रेनिंग है, जो नाबार्ड की साइड से स्पॉन्सरशिप है, वो मिलती किसको, आप और मेरे जैसे लोगों को जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, तो वही तो ट्रेंड पर्सन है ना, तो इसलिए फिर ये वाला आंसर ना के क्या आ जाएगा आपका, एग्री बिजनेस सेंटर। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ब्रीड ऑफ बफेलो पोजेस कैरेक्टरिस्टिक टाइटली कर्व्ड हॉर्न। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला बिना पढ़े आंसर किया जा सकता है, राइट आंसर क्या आएगा यहां पे, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी थोड़ा थोड़ा सेम वर्क करता है ना। यस रिक जी आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसे तो अगर हम प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वो भी ऐसा ही कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर वो भी ओपन करते हैं, लेकिन वहां ट्रेन स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं उस हिसाब से आंसर आपका ACABC के साथ जाएगा। टाइटली कर्व्ड हॉर्न की बात करिए, बच्चा बच्चा एग्रीकल्चर वाला जानता है कि टाइटली कर्व्ड हॉर्न बोला तो भाई साहब कौन आएगी, ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली आपकी बफेलो की ब्रीड आ जाएगी, इट विल बी मुर्रा। आगे चलते हैं, द होमस्टेड एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ कॉमन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन विच स्टेट। होमस्टेड एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये मेरा घर है, ये मेरे पशु हैं, ये हॉर्टिकल्चर ट्रीज, ये फॉरेस्ट ट्रीज, मतलब सब कुछ एक साथ ही है, घर भी है, जंगल भी है, पशु भी है। ऐसा पंजाब के अंदर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बिहार में? बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु में नहीं। हरियाणा में नहीं। धक्के से आंसर था, आसान सा क्वेश्चन था, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी आसाम, बिकॉज वहां पर ऐसा होता है, जंगलों के अंदर लोग रहते हैं, घर भी वही, जंगल भी वही, पशु भी वही, तो राइट आंसर आसाम आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तरह की प्रैक्टिसेस वहां पे होती हैं। नेक्स्ट आ गया रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस मतलब कैस्टर की बात कर रहा है, कैस्टर आपने सुना होगा। रिसिनस कम्युनिस इज एन होस्ट प्लांट ऑफ विच सिल्कवॉर्म। कौन सा सिल्कवॉर्म है जो आपका कैस्टर पे सर्वाइव करता है? मलबेरी, ट्रॉपिकल तसर, टेम्परेट तसर, मूगा या फिर एरी। आसान क्वेश्चन था, करना चाहिए था सब लोगों को, जो भी आरआरबी देख के आया, आंसर एरी सिल्क आएगा। बाकी यहां पे डेटा मैंने दे दिया है, कौन कौन सा टाइप ऑफ सिल्क है, साइंटिफिक नेम क्या है और खाता क्या क्या है, लेकिन आप देखिए उसने नॉर्मल कॉमन नेम नहीं लिखा, उसने रिसिनस कम्युनिस लिख दिया भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा कैस्टर का साइंटिफिक नेम दिया है, तो आपको इसके साइंटिफिक नेम भी याद करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था, इजीली आंसर किया जा सकता था। वीनियर ग्राफ्टिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोपेगेशन व्हिच इज इजीियर, मोर इकोनॉमिकल, गिव हाई परसेंटेज ऑफ सक्सेस एंड इज आइडियल फॉर एस्टैब्लिशिंग इन सिटू ऑर्चर्ड ऑफ। ये आसान क्वेश्चन था, फ्री का नंबर था, ऑफ कोर्स मुझे पता है बहुत सारे लोग, देखो किसी ने तो मैंगो भेज भी दिया, बोला ये लो खा लो, है ना। ओके राइट आंसर है ऑफ कोर्स, यहां पे क्या आएगा, आंसर विल बी मैंगो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिफिकल्ट था सर, नेक्स्ट आंसर लगभग लोगों ने नहीं किया, 99% लोगों को ये नहीं आता। ऐसे डर मत जाया करो सर, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, कैसे आंसर करें, भाई साहब पहले कहा 30 से ऊपर लोग आएंगे ही नहीं मार्क्स यहां पे यार, टॉपर भी 30-32 के आसपास जाएगा। तो यहां पे इसने क्या बोला था, बोला गया था वॉन बटरफ्लाई इक्वेशन। इक्वेशन आगे दी गई है, इज यूज टू मेजर अ फिश पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आइडेंटिफाई द पैरामीटर। तो लेंथ और वेट जो है ना फिश का, मुझे भी नहीं पता था इसका आंसर, मैंने पढ़ के ही आंसर किया ये वाला, तो ये मेरे लिए भी नया था। तो ये इक्वेशन को हम यूज करते हैं क्या, मेजर करने के लिए आपके फिश की लेंथ एंड वेट। ये काफी नया सा क्वेश्चन था, लेकिन अब आ गया है तो अब याद कर लीजिए, ताकि दोबारा आए तो फिर आंसर कर पाओ। 23 पे चलेंगे, सोइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एग्रोनॉमिक मेजर इफ द स्लोप इज एग्रोनॉमिक मेजर का मतलब क्या हो गया, इंटरक्रॉपिंग कर लेंगे, कवर क्रॉप कर लेंगे, गार्ड वार्ड क्रॉप लगा देंगे, मल्चिंग वल्चिंग कर लेंगे, तो सोइल इरोजन कम किया जा सकता है इन सब प्रैक्टिसेस से, अगर वहां पे स्लोप कितना है। तो ऑफ कोर्स अब ए के साथ जा रहे हैं जो राइट आंसर है, यहां पे राइट आंसर ए क्यों आ गया, बिकॉज ज्यादा स्लोप हो जाएगा ना फिर ये सब काम चलेंगे नहीं, फिर आपको कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, लेकिन एग्रोनॉमिक मेजर किया जा सकता है अगर वो 2% or less than 2% का स्लोप हो। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम was introduced to bridge the gap between research and accessible system। बहुत आसान क्वेश्चन था, फ्री का नंबर था। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च सेंटर है वो सब बनाते हैं, लेकिन ये गैप नहीं, ब्रिज को मतलब ब्रिज नहीं बना रहे हैं। उसके बाद BGR या ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडियन स्टेट, कोई आंसर से रिलेशन नहीं था। RKVY का रिलेशन ही नहीं है यार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कोई रिलेशन नहीं है।
आईवीएलपी एक्सटेंशन का पार्ट तो है, लेकिन एनएईपी का पर्पज यही था यार, उसका नाम ही ऐसे ही है। नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज आल्सो स्टार्टेड इन 1983 टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो इसका पर्पज यही था, फ्री का नंबर था, पढ़ना पड़ेगा अब आपको सब कुछ, है ना। अब ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए सिलेबस ज्यादा हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, याद नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कोई और कर जाएगा। जब आपको लगता है कि नहीं हो रहा, याद रखिए, क्योंकि जब मुझे लगता है ना मैं कर लूंगा, तब तक कोई और कर चुका होता है। तो ये मत कहिए डिफिकल्ट है, करना पड़ेगा, सब स्कीम पढ़नी पड़ेगी, उनका मेजर मेजर ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। 25 पे चलते हैं, फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड पर एनिमल फॉर प्रेग्नेंट काओ अंडर कवर्ड एरिया। यहाँ पे कवर्ड एरिया लिखा गया है, अगर कवर्ड, क्योंकि मैंने पहले बोला, मैंने मेरी साइड से बहुत सारा वेरिफिकेशन करने के बाद आंसर दिया है, है ना। मतलब हो अगर कवर्ड एरिया तो आंसर यहाँ पे कुछ और आएगा, और अगर वैसे मैं लेके जाऊंगा तो 4+8 का एरिया दिया जाता है टोटल प्रेग्नेंट काओ को, मतलब 12 मीटर स्क्वायर, और इसे कन्वर्ट करूंगा किस में, स्क्वायर फीट में, तो कुछ लगभग 112 होगा, तो आई थिंक 122 के अराउंड जाना चाहिए ऑलमोस्ट, है ना। तो राइट आंसर यहां पे उस हिसाब से क्या आएगा, राइट आंसर विल बी 120 to 140 स्क्वायर फीट। बाकी आप आंसर से कंफ्यूज मत होइए, आप याद कीजिए, क्योंकि डेटा आपको जो दिया हुआ है आईसीआर की वेबसाइट पे, टीएनए में, हमारे नोट्स में, वो मीटर स्क्वायर में है, और यहां पे ऑप्शन स्क्वायर फीट में है, तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, राइट, है ना। चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड से फारेनहाइट के अंदर कन्वर्जन हो, या फिर मीटर का सेंटीमीटर हो, या फिर मीटर का फीट में हो, या किलोमीटर का मीटर हो, या फिर टन का एमटी हो, या फिर टन का क्विंटल्स हो, किलोग्राम्स हो, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक यूनिट्स हैं। 26 पे चलेंगे, हेक्सागनल जो सिस्टम होता है प्लांटिंग का, जो ऑर्चर्ड के अंदर यूज किया जाता है, अकोमोडेट मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम के कंपैरेटिवली हेक्सागोनल में कितने परसेंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, फ्री का नंबर था, इजी क्वेश्चन था, सब लोग जानते हैं, 15% हम हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्लांट को लगा सकते हैं। होप्स आपको पता होगा हेक्सागोनल, हेक्सा समझ पा रहे ना, हेक्सागोनल कैसा होता है। आगे चलते हैं, देखो फिर से बड़ा क्वेश्चन, इसमें गलती जिन्होंने की है, बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिकॉज मैंने ये दिन में ही इनको मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिया था, अच्छी बात है आपने याद कर ली है तो, लेकिन अगर इसमें गलत किया है ना तो ध्यान से समझना, गलती होनी नहीं चाहिए थी। पता है कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन डेयरी ब्रीड, फॉरेन बोल दिया ना, मतलब गिर तो गया, आने वाला नहीं है, फॉरेन डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल इज यूज फॉर द क्रॉस ब्रीडिंग पर्पज इन इंडिया, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज किया गया, आयरिश आर गया, इसको यूज ही नहीं किया गया। काओ ऑफ विच Has straight top line level rump sharp wither head have a double dash inclined to nervous and sensitive bulls are often vicious, मतलब sensitive है तो भाई साहब पीछे पीछे पड़ जाएगा, capable of utilizing roughage efficiently and can withstand tropical and humid climate, because कोई और मैं निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसे जब बोला रहे इसने कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सकती है, भाई साहब नहीं करेगी, एचएफ कैसे करेगी यार, हॉलैंड से नीदरलैंड के आसपास ही सर्वाइव नहीं करती है, फिर ब्राउन स्विस, नाम में स्विस है, स्विट्जरलैंड से आई है, स्विट्जरलैंड वाली कैसे सर्वाइव कर लेगी, नहीं कर पाएगी, तो धक्के से आंसर आएगा सही यार, है ना। क्या आएगा आंसर यहां पे, आंसर विल बी जर्सी। देखो इसका फ्री का नंबर आपको मिला है, बड़ा सा क्वेश्चन था, एग्जाम के प्रेशर में हम डर जाते हैं, लेकिन फ्री का नंबर था ये वाला, ये गलत नहीं होना चाहिए था। मैंने शुरू में कहा था ना स्टार्ट करने से पहले, लैंग्वेज आंसर करवाएगी। अब सच बोलूं तो ये किसी नोट्स में ढूंढ लेना भाई साहब, हमें मत कहना कि आपके नोट्स में था कि नहीं, किसी नोट्स को उठा लेना, किसी बुक को उठा लेना, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन दिमाग को उठा लेना, आंसर मिल जाएगा आपके सामने है, है ना। क्योंकि जैसे उसने फॉरन बोला तो गिर चला गया, फिर उसने क्रॉस ब्रीडिंग बोला तो ये आयरशायर चला गया, फिर ट्रॉपिकल बोल दिया तो ये दोनों चले गए, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास सीधा सीधा बच गया हमारा जर्सी। आगे चलते हैं, ओके 28 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये वो क्वेश्चन जिसको देख के हम डर जाएंगे, और आप ध्यान से देखेंगे कुछ भी नहीं है, फ्री का नंबर है इसमें। अ 9-row सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल ऑपरेटेड एट फॉरवर्ड सीड ऑफ 5 km/h with field efficiency of 80% having row spacing of 200 m will have effective field capacity। आंसर तो ठीक है, आंसर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा फील्ड कैपेसिटी का, W इंटू एस बाय 10 इंटू ई एफ, मतलब एफिशिएंसी बाय 100, W का मतलब विड्थ हो गया, जो यहां पे कितनी दी गई है, यहां पे आपकी जो विड्थ है वो 200 mm दी गई है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 हो जाएगी, एस का मतलब स्पीड हो गया, स्पीड कितनी दी गई है यहां पे 5 km/h, तो आप क्या करेंगे, ये देखो एफसी 0.2 आपकी विड्थ हो गई, एस मतलब स्पीड होगी बटा 10, तो फॉर्मूला का पार्ट है, इंटू क्या करेंगे 80 बाय 100 एफिशिएंसी
एफिशिएंसी कितना परसेंट है, 80%, बटा में 100 कर दिया, इनटू 9 क्यों, क्योंकि वो कैसा है, 9 रो है ना। तो अब कैलकुलेट करके देख लेना इसको, कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, राइट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, 0.72। कैलकुलेट कर लोगे ना भाई साहब, क्या करके दिखाऊं, उतना तो यार मेरा भी प्री वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इजी है कैलकुलेशन। कैसे इजी है, 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1 को 10 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 0.1 आएगा। फिर 80 और 100 की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये वाला आपका 0.9 आ जाएगा, 0.9 आएगा, 0.9 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यार, कुछ गलत कर दिया मैंने, कैलकुलेशन आप कर लेंगे यार, होप सो, है ना। 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट शुड बी 1, है ना, यही तो होगा यार, 5 बार गया तो 1 आ गया, 0.1 आया, फिर यहाँ पे 80 100, ये 0.9 आया, फिर ये 0.9, कैलकुलेशन कर लेना प्लीज यार, आंसर एग्जैक्टली 0.72 आएगा, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, क्या 0.8, अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ये एग्जैक्टली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेट करिएगा, आपको आंसर मिलेगा 0.72 हेक्टेयर पर आवर, एक घंटे के अंदर एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, जो लोग बता रहे हैं आप समझ गए, बस कैलकुलेशन करनी है, आगे चलता हूं। With respect to the fiber of animal origin, the term soft gold is coined for. देखो gold बड़े सारे पढ़ लिए, white gold, black gold, ये gold, वो gold. अब की बार soft gold है. Soft gold के अंदर camel आएगा नहीं, wool आएगा नहीं, camel hair आएगा नहीं, mohair या पश्मीना right answer आएगा. पश्मीना भी अपने आप में सुपीरियर क्वालिटी है, मोहेर भी अपने आप में लस्ट्रोस होता है, फाइन होता है, सुपीरियर क्वालिटी का होता है। हाल फिलहाल आप जो ये वर्ड यूज करो किसके लिए, मोहेर। मोहेर किससे मिलता है जरा मुझे बताओगे, गोट ब्रीड से के शीप ब्रीड से, और गोट और शीप भी किसी ब्रीड से मिला तो जरा उसका नाम बताइए, ये गोट की या शीप की कौन सी ब्रीड है जिससे आपको सॉफ्ट गोल्ड यानी कि मोहेर मिलता है। ऑफकोर्स राइट आंसर गोट आएगा, कौन सी गोट आएगा भला, यस अंगोरा गोट, शीप मत बोलिए, अंगोरा गोट से। क्या आपने अंगोरा गोट देखिए, सामने देख लो, आपको दिख रहा होगा, इसको देखिए, बिकॉज बाकी में तो यार ये शीप जैसे दिख रही है, लेकिन यहां देखते आप समझ जाएंगे ये गोट है। तो अंगोरा गोट जिससे आपको मोहर मिलता है, जिसे सॉफ्ट गोल्ड कहा जाता है। आगे चलते हैं, फिर से बड़ा सारा स्टेटमेंट बोला गया, विच पेस्ट ऑफ गुवावा डिपोजिट एग इन द सॉफ्ट स्किन ऑफ राइपनिंग फ्रूट वेयर इन नोचिंग द मैगट्स बोर इनटू द फ्रूट एंड फीड ऑन द सॉफ्ट पल्प and infested fruit show depression with dark greenish puncture and when it open the maggots are visible and the infested fruit root and fall. ये वाला मैं explain नहीं कर सकता because एंटो और पैथो मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ये आपके प्रियंका मैम है ना, वो आपको बता सकती हैं। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने मैम से एंटोपैथो पढ़ लिया है, आंसर आपका गलत नहीं हो सकता। कैसा ही बोल रहा हूँ, प्रियंका मैम ने पढ़ा दिया तो उसके बाद क्या एंटोपैथो में से सब क्वेश्चन कवर कर लोगे क्या? हाल फिलहाल आप मुझे डी आंसर बता रहे हो, एंड डी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया, अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एनाड्रोमस, ये पढ़ा हुआ है ना, कैटाड्रोमस, पोटामोड्रोमस, एनाड्रोमस, एक एनाड्रोमस फिश अफेक्टिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ देयर माइग्रेटरी पाथवे बाय डैम, बिकॉज एनाड्रोमस का मतलब यही है, रहेगी एक जगह पे ब्रीडिंग के लिए, दूसरी जगह पे जाएगी तो माइग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ये डैम्स जो है ना उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे हैं, किसके लिए, आंसर तो आपके सामने है, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से हार्डली ही कोई कर पाया हो। अच्छा एक बार बताओ, अपना नाम लिखो, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था, आज आपने देखा है आंसर पता चल गया है, अगर आपको पहले से पता था तो अपना नेम लिखो, देखते हैं किसी को पता था। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन शायद 99.99 लोगों को पता नहीं होगा, हाँ 0.1% है जिनको पहले से पता होगा, पहले से मतलब जब मैंने मॉक टेस्ट दिया उससे पहले से, मॉक टेस्ट में तो फिर सबने आंसर देखे ही है ना, हाँ जनरली एक्सेप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतना आगे तक हम जा नहीं सकते हैं, फिर तो पिछले 4 साल जितना पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है भाई, जिसको पता अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे, 1 हेक्टेयर ऑफ चोकी गार्डन, चोकी रियरिंग आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो सिल्क वर्म का जो लास्ट वाली 3 स्लाइड थी वहां हमने चोकी रियरिंग को पढ़ा था, तो बोला 1 हेक्टेयर का जो चोकी गार्डन है, जो इनिशियल स्टेज में आप सिल्क वर्म की रियरिंग करने वाले हो, उनके लिए कितना FYM दोगे अलोंग विद NPK, तो फर्टिलाइजर से इतना NPK तो दे ही देंगे, लेकिन 1 हेक्टेयर में कितना FYM रिकमेंडेड होता है, तो ये रिकमेंडेशन है इसकी, अप्लाई 40 MT ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर पर हेक्टेयर पर ईयर एंड NPK 260 140 140 kg पर हेक्टेयर पर ईयर इन 8 split इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट फर्टिलाइजर। तो जो आपको देना है क्या, आपका FYM वो कितना टन देना है, 40 MT आपको देना पड़ेगा, तो E यहां पे राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं,
Which one of the following are the submission under National Livestock Mission? National Livestock Mission के अंदर तीन submission है, ये तीनों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको इसमें से जो दो नंबर है ये निकालना पड़ेगा, बाकी तीनों थे तो 1, 3 and 4 इसका राइट आंसर है। आप पढ़ सकते हैं तीनों मिशन को, submission on feed and fodder development, submission on innovation and extension, submission on breed development of livestock of poultry। तो दो को छोड़ के बाकी तीनों थे। 34 पे चलेंगे। Which mushroom is most viable throughout the worldwide, whose commercial cultivation already attained a high tech status? इतना पढ़ा तो बटन माइंड में आ गया, बिकॉज बटन वाले केस में हाई टेक चल रहा है सब कुछ। एंड कंप्राइजेस मोर देन 70% ऑफ इंडिया टोटल मशरूम प्रोडक्शन। कोई डाउट नहीं, फ्री का नंबर आपको मिल गया यहां पे, आंसर क्या आएगा? बटन मशरूम। Which one of the following fodder crops may produce gum? आपने देखा होगा नाबार्ड ARD ने भी गवार से क्वेश्चन पूछा, RRBSO ने भी गवार से पूछ क्वेश्चन पूछा। अब वो गवार ही रहेगा जो गवार को नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो पेपर में लगातार आ गया बैक टू बैक, तो हम गवार नहीं है, इसलिए हम गवार को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि गवार से अगला क्वेश्चन आए तो मैं गवार ना बन के मैं उसे आंसर कर सकूं। समझ पाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं सर गवार क्या होता है, किसको गवार बोल रहे हो? गवार भाई साहब क्रॉप होती है, अमेरिका इसे इंपोर्ट कर रहा था, इसका प्राइस 2000 से कहीं 50,000 के आसपास पर क्विंटल चला गया था। तो मैं राजस्थान से, हमारे यहाँ पे होता है, लोगों ने अपने बच्चों को रूम से निकाल दिया, बोला ये लो यहाँ भी गवार भरेंगे, यहाँ भी गवार भरेंगे, तो काफी चर्चा में रहा है पिछले 4-5 सालों में। आगे चलते हैं। The toxic principle which is detrimental to the animal health and found in किसके अंदर? Leucocaenia leucocephala, यानी कि जो सूबबूल है उसके अंदर पाया जाता है, वो टॉक्सिन कौन सा है? 1980s के आसपास ना गवर्नमेंट ने इसकी प्लांटेशन के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था, लेकिन इस टॉक्सिन के कारण ये ज्यादा फेमस हो नहीं पाया। लेकिन सू बबूल, जैसा कि नाम बता रहा है, बबूल के पेड़ जैसा ये बड़ा सारा उतना तो नहीं होता, लेकिन वैसा दिखता है, और साथ साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, इसके फोडर के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, अच्छा खासा फोडर भी प्रोड्यूस करता है, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है हमारे एनिमल की फोडर रिक्वायरमेंट के लिए। बट एक ही प्रॉब्लम है, इसके अंदर टॉक्सिन पाया जाता है। हालांकि हमारे रिसर्च सिस्टम में बता रहे हैं कि काफी सारे सॉल्यूशन ऐसे हमारे पास आ चुके हैं कि अब वो टॉक्सिन जो है वो एनिमल की बॉडी पे इंपैक्ट नहीं करेगा, अगर वो बैक्टीरिया भी उसके अंदर चला जाएगा। बैक्टीरिया मतलब जैसे एंटीबायोटिक्स काइंड ऑफ होते हैं, वैक्सीन काइंड ऑफ होती है, उसी तरह से। फिलहाल इसने टॉक्सिन पूछा था, टॉक्सिन जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? मिमोजाइन, और मिमोजाइन इसे कह दीजिए बी विल बी द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ गोट, इनमें से कौन सी गोट की ब्रीड नहीं है? एंग्लो नियोपियन एक्सोटिक ब्रीड है, आंसर नहीं आ सकता। बीटल सब लोग जानते हैं, आंसर नहीं आ सकता। अंगोरा तो अभी भी हम पढ़ के आए थे, आंसर नहीं आ सकता। गद्दी में कंफ्यूजन है, गद्दी और गद्दी, ये गोट भी होती है, ये शीप भी होती है, तो आंसर क्या बच गया भाई? आंसर आपका क्या आएगा यहां पे? डी विल बी द राइट आंसर, भाखरवाल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको, मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने ये बहुत सारे डिस्कशन के बाद क्वेश्चन दिए आपको, हार्डली एक आधे क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन रिक्वायर्ड हो सकता है, वरना मैंने बहुत टाइम देके करेक्शन किए हैं इसके अंदर, तो कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो गलत आंसर हो, सारे के सारे सही हैं। और इवन लैंग्वेज भी 38 क्वेश्चन की तो एग्जैक्ट है, बिकॉज इतने सारे लोगों से कलेक्ट किया है। दो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि थे नहीं मेरे पास तो मैंने किया, लेकिन ऑप्शन और लैंग्वेज मैंने उतनी ही रखी जो पेपर में पूछी गई, ताकि आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकें। और अगर लग रहा हो हमारे एफर्ट्स यूजफुल है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। विच एलिमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑयल इन ग्राउंडनट? ग्राउंडनट के अंदर, और मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात करेगा तो भैया फिर सारे लोग ही जानते हैं क्वालिटी कौन मेंटेन करता है। यस, सल्फर। लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वीड कॉजेस रिलेटिवली मोर यील्ड लॉस ऑफ राइस व्हेन द क्रॉप इज, है ना, राइस के अंदर जो है आपका वो ज्यादा नुकसान करेगा अगर राइस कॉन्टिन्यूसली फ्लडेड है, ओकेजनली फ्लडेड है, डायरेक्ट सीडेड है, ट्रांसप्लांटेड है, या फिर डबल ट्रांसप्लांटेड है। भाई साहब आप जानते ही हैं ये जीरो टिलेज में यही तो पंगे चल रहे हैं, पहले जीरो टिल ड्रिल आया, फिर हैप्पी सीडर आया, लकी सीडर आया, सुपर सीडर आया, इतने सारे क्यों आ रहे हैं? सारा पंगा ही वीड्स का चल रहा है। तो यहां पे भी अगर आप डायरेक्ट सीडिंग कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर विल बी सी। अगेन याद करवा दूं, अगर आपको RRBSO या फिर NABARD ARD, मैं जनरली वीडियोस कम डालता हूं, डालने का रीजन
मुझे वीडियो से व्यूज नहीं लेने हैं, आप लोग मेरे साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं मैं हर दिन आपको टेलीग्राम पे 20 क्वेश्चन मॉर्निंग में 20 इवनिंग में, क्योंकि 40 क्वेश्चन आंसर करने के लिए 20 मिनट के अंदर हो जाते हैं, वीडियो 40 क्वेश्चन की कम से कम 45 मिनट जैसा कि आज लेके गई है, तो मैं इसलिए वीडियो पे कम फोकस करता हूं, लेकिन फ्री में बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को देता हूं, जिनके पास कोर्स है उनके पास सब कुछ है, नहीं भी है तो कोई कोर्स लेना कंपल्सरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं, और इवन कोशिश ये भी करता हूं कि कोर्सेज का प्राइस मिनिमम रखूं, लेकिन उतना लोएस्ट नहीं कर सकता कि क्वालिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दूं फिर, है ना। तो मैंने इसीलिए आप एफसीआई फेज वन की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो जीएस की बुक दो दिन के अंदर लॉन्च करने वाला हूं, 200 पेज की किताब A4 साइज के अंदर, है ना, A4 ये वाला जो साइज होता है, इतने बड़े साइज के अंदर ना 200 पेज की किताब आपको शायद इंडिया में कोई देता होगा लेस देन 200 में। हम उस बुक का प्राइस 150 रखने वाले हैं, आपको रीजन पता है क्यों रखने वाले हैं, जबकि हमारा कॉस्ट आ जाएगा उतना सा, रखने का रीजन ये है कि जो जो लोग एफसीआई को इग्नोर कर रहे हैं ना, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इग्नोर मत करो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, जीएस आपको मैं पढ़वा दूंगा, 150 रुपए के अंदर बुक दूंगा, तो आप सब लोग ले लोगे और पढ़ोगे, मैं चाहता हूं कि इस साल तुम्हारा ही सिलेक्शन हो। और ऐसा नहीं है, एक बच्चा है उसने मुझे मैसेज किया, बोला ये वाला वीडियो डाला कि आप लोग बिजनेस करते हो, तो मैंने उसका रिप्लाई किया और मैंने कहा भी था कि मैं क्लास में बोल दूंगा ये वाली बात, बोला आप बिजनेस करते हो, मैंने कहा देख बेटा तो AFO की तैयारी कर रहा है, बैंक में जाएगा, बैंक तेरे को तभी हायर करेगा जब तू बिजनेस बढ़ाएगा, वरना कोई हायर नहीं करने वाला तेरे को, राइट। तो कुछ ऐसा है, ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ बिजनेस, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए मुलाकात से काम नहीं चलता ना यार, कि जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है सनम, तो सनम से जिंदा नहीं है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जरूरी है, सैलरी देने के लिए जरूरी है, और इस तरह से क्वालिटी आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए भी कुछ फंडिंग तो जरूरी है। तो कोर्सें फ्री नहीं दे सकता, बट लोएस्ट प्राइसेस के अंदर देता हूं। एंड ऑफकोर्स वो बच्चा मुझे बोल रहा था बोलना वीडियो के अंदर, हिम्मत है तो मैंने कहा बोल दूंगा भाई, मेरे में बहुत हिम्मत है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस यार, एग्रीकल्चर बिजनेस है ना, एजुकेशन बिजनेस है, आप बैंक के अंदर जाएंगे दैट्स अ बिजनेस, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस, लेकिन बिजनेस करने के तरीके हर किसी के अलग अलग होते हैं। आई होप सो आपको ऐसा नहीं लगता होगा, बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, कोशिश यही होती है लोएस्ट ही ले, बाकी कह नहीं सकते। जीएस हिंदी में बिल्कुल नहीं है ना, जीएस ओनली इंग्लिश के अंदर होगी, 200 पेज है, बहुत छोटा फॉन्ट को कर दिया गया ताकि बहुत सारा कंटेंट उसमें डाल सकें। इनिशियली हमारी बुक 450 पेज की बन रही थी, 450 पेज के लिए हम लोग 300-350 रुपये ले लेते, तो मैंने बोला कर दो फॉन्ट को छोटा, 200 पेज के अंदर सब डाल दिया है, 150 रुपये के अंदर सबको देंगे ये वाली किताब। ABM फील्ड भी है करियर का, ऑफकोर्स ABM एक राइजिंग फील्ड है सर, लेवल बहुत हाई है, AFO भी ऐसा ही आता है क्या, यस, RRB SO इज अ काइंड ऑफ सिग्नल कि यही वाला AFO जो है रिपीट करेगा, तो यस इसका लेवल हाई था, इसलिए तो बोल रहा हूँ 40 में से 30, उससे ऊपर नहीं आ सकते मार्क्स यार, 40 में से 30 का मतलब 60 में से 45 मार्क्स, जबकि AFO में 53 तक चले जाते हैं, तो ये डिफिकल्ट पेपर था सर, है ना, लगभग 26-27 क्वेश्चन थे जिसके साथ डील किया जा सकता था, बट 13 के आसपास वो क्वेश्चन थे जो नए थे यार, है ना, ऐसे ही फालतू बकवास कर देना यूट्यूब पे आके 40 में से 40 कवर कर दिए ये वो, ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, बच्चा 18 साल के बाद देश को चलाना शुरू कर देता है, कोचिंग वाले झूठ बोल के नहीं चल सकते, सच बोलू ना, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा 28 से 30 क्वेश्चन ही कवर कर सकता था, उससे ऊपर हो ही नहीं सकते, तभी बोल रहा हूं, अगर 25 नंबर के आसपास आप क्या है ना 20 से ऊपर तो परफेक्ट है काम, और 15 से नीचे है फिर काम खराब है यार। तो आपने क्वेश्चन देखे हैं खुद जानिएगा, किसी ने कहा जिसके 40 से 40 आए वो जीनियस है क्या, हाँ वो जीनियस है, क्योंकि वो नकल मार ले रहा है, वो इतना बड़ा जीनियस है, वो ये नहीं जानता कि हमारे टेस्ट में तो नकल मार लोगे, फाइनल पेपर में बंदे होंगे वहाँ पे 20 और कैमरा लगे होंगे 10, कैसे नकल मार लोगे यार, तो उसको तो जीनियस ही कहना पड़ेगा जो इन टेस्ट के अंदर भी नकल मार के अपने रैंक ले लेता है, मतलब की बात नहीं है ना यार, ऐसा काम करना ही क्यों, जो आपके करियर में कुछ अगर वैल्यू एडिशन नहीं करे तो वो काम नहीं करना चाहिए। आई गॉट ओनली 19 मार्क्स रैंक 350, कोई बात नहीं 19 मार्क्स हैं, थोड़े से कम कहूंगा इसे, लेकिन बुरे नहीं है, ठीक है, मैं 20 से ऊपर बोल रहा था, थोड़ा सा आसपास है, इंप्रूव कीजिए। और सिल्क वॉर्म वाला क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में से है, ऐसे मत कहिए यार, सिल्क वॉर्म वाला मतलब 29 क्वेश्चन जेन्युइनली बता रहा हूं जो या तो टेस्ट सीरीज में है या फिर नोट्स में है या लेक्चर में कवर हुए, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं सर 29 ओनली,
है ना, डायलॉग नहीं मारूंगा, 35 कवर कर दिए भैया, करके दिखाओ, हो ही नहीं सकते, पेपर का लेवल उतना ऊपर चला गया है। पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको स्ट्रेटजी के साथ चलना है। एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि नाबार्ड एआरडी के 80 क्वेश्चन, आरआरबीएसओ के 40 क्वेश्चन और पिछले आईपीएस एएफओ के 3 साल के पेपर, इनको उठाओ, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाओ। मेरे जैसे लोगों से मत पूछो सर किस तरह से पढ़ाई करो, अपने दिमाग से पूछो, बिकॉज आपका दिमाग वो है जो आपको सबसे अच्छे से जानता है और वो बताएगा स्ट्रेटजी के इन क्वेश्चन के बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मेरे टेस्ट में 20 आया लेकिन हमको और चाहिए था, आएगा ना, मेहनत करिए। सर आप क्वेश्चन कवर ले लेते हो, दैट्स व्हाई मेरे 21 मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका लेवल 25 से ऊपर ऊपर वाला चला जाए। बीएससी एजी कंप्लीट कर लिया हूँ, एएफओ की तैयारी करनी है, ऑल द बेस्ट। सर अभी करंट नहीं किया है रिवीजन, देखो करंट का मैं करंट के लिए बहुत बार बोल चुका हूँ, जो बच्चे इस टाइम पे करंट की बातें करते हैं ना, वो सिर्फ अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। भाई नाबार्ड नॉर्म्स को पढ़ लो, करंट की टेंशन छोड़ दो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं ये वाली बातें, ना जाने क्यों आप बच्चे डाइवर्ट क्यों हो जाते हो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप लोगों के प्यार से मेरा जो लेवल है ना वो उतना ऊपर है, मुझे मेरे रेवेन्यू की परवाह नहीं है, बहुत आ रहा है, आप लोगों के प्यार से आ रहा है मुझे। पर मुझे बुरा लगता है यार जो लोग मतलब बिजनेस के लिए करंट अफेयर्स की बुक बोल दे, करंट अफेयर्स इस टाइम पे नहीं पढ़ने चाहिए यार, समझो। आपके सामने है ना पेपर, बताओ करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन थे, आपके सामने है, मेरे तो नहीं है ना क्वेश्चन, बताओ करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन, 1 2 3, उस मेरे हिसाब से 3 महीने, एक दो क्वेश्चन देना। तो यार 40 में से 2 क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए कि 38 पे करना चाहिए। तो जिसको सिलेक्शन नहीं लेना ना वो 38 पे फोकस ना करे, 2 पे ही करेगा, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, करंट वाले क्वेश्चन डील हो जाते हैं, ये बाकी क्वेश्चन खतरनाक है जो डील नहीं हो पाए। राइस वाला वो इंडोनेशिया वाला कवर हो पाया, नहीं हुआ। फिश वाले दोनों क्वेश्चन नहीं हुए, वो डे एनआरएलएम वाला तो सब लोगों ने कवर कर लिया यार, जिसने करंट पढ़ लिया वो कर लेगा। करंट पढ़ना इज वेरी इजी, आरबीआई क्या बोल रहा है, नाबार्ड रिपोर्ट क्या बोल रही है, आईसीए रिपोर्ट क्या बोल रही है, 5 दिन के अंदर करंट कवर कर सकता है वो बच्चा जो जिद पे आ जाए, लेकिन 50 दिन के अंदर जनरल कवर नहीं होता सारा, एग्रोनॉमी, सोयल, एंटोपैथो, ये सब। तो फोकस सही तरह से कीजिए यार। रिजल्ट एक अलग से बाद आया है, एफसीआई फॉर्म नहीं भर पाया। गुरमीत जी ये बात लिखने का मतलब ही नहीं है, उन्होंने पहले 1 अगस्त का क्राइटेरिया लगा रखा है, तो लॉजिकल आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। सर मेंस की बुक में ही लिखा है वो कंप्लीट है क्या, मेंस की बुक में ही लिखा है वो कंप्लीट है क्या, मैं नहीं समझ पाया। एएफओ का कंप्लीट बैच विकास जी, इस साल के लिए बैच चाहिए तो अभी के अभी लीजिए और रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट कीजिए। अगले साल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो नवंबर तक का वेट कीजिए। लॉन्ग टर्म बैच 7 से 9 महीने का हम एक बैच चलाएंगे, जो लॉन्ग टर्म बैच होगा उसमें ना ये जो छोटी मोटी बातें कवर नहीं कर पाते ना ये भी करेंगे, क्योंकि 4-5 महीने में इतना पढ़ाया नहीं जा सकता यार, लेकिन 8-9 महीने के अंदर पढ़ाया जा सकता है। तो इस बार जो एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे ना पूरा सिलेबस कवर कर देंगे लॉन्ग टर्म बैच के अंदर। ओके ठीक है, हिंदी मीडियम से अच्छा, विकास आपका नाम है, हाँ विकास जी कहते हैं एएफओ कंप्लीट बैच हिंदी मीडियम से। ये देखिए भाई साहब, हाथ आपके जोड़ दिए सामने मैंने, हिंदी में कवर नहीं किया जा सकता। आप हिंदी वाले लोग पता नहीं यार कैसे बच्चे हैं आप, या तो भाषा नहीं समझते। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी जो बोलने वाला हूँ इसका उच्चारण शुद्ध हिंदी के अंदर कर सकूँ। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अब आरआरबीएसओ की परीक्षा में पूछे गए 40 प्रश्नों का एक बार विश्लेषण करके देखिए, आप समझ पाएंगे कि इन 40 प्रश्नों में से हिंदी वाले किताबों में 10 से 15 प्रश्न भी नहीं है। तो इस तरह की तैयारी क्यों करनी जो सिलेक्शन ना करवाए। आजकल के जो परीक्षाएं हैं वो बहुत आगे चली गई है, वो अंग्रेजी भाषा के अंदर आ गई है। पंजाब एडियो सिर्फ अंग्रेजी में आएगा, हरियाणा एडियो सिर्फ अंग्रेजी में आएगा, नेट सिर्फ अंग्रेजी में होता है, जेएफ सिर्फ अंग्रेजी में होता है ना, कितने सारे यूपी कैटेट अंग्रेजी में होता है, कितने पेपर है जो हिंदी में आते ही नहीं है यार, होती नहीं है हिंदी यार। तो क्यों अपना करियर खराब करते हैं हिंदी के चक्कर में। MSCAG CUET PG का क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है साहिल जी, कोशिश करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, बाकी सब कुछ देखना पड़ता है, फैकल्टी को बोलता हूँ, किसी को ऑफकोर्स डिस्कस करवा देंगे। ओके डन फॉर टुडे, आई थिंक सफिशियंट, आपकी बातें मैंने आंसर कर दी है, बट मोर ओवर जो मेरा मेन टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको आरआरबीएसओ का एनालिसिस दे दिया। नाबार्ड का भी चाहिए होगा तो जाइए ऐप के ऊपर, फ्री हम डालेंगे उसमें नाबार्ड एआरडी का Shift 1 का पेपर भी और Shift 2 का पेपर भी। मेक श्योर कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उन एग्जाम के प्रीवियस पेपर जरूर पढ़िए। एंड हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐप पे जाइए, ये वाले क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ऐप पे डाउनलोड करना पड़ेगा, पेमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट
वीडियो में लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं डेफिनेटली इंप्लीमेंट करूंगा। और याद रखिएगा, आप मेरे से गाइडेंस लें या किसी और से लें, बस ध्यान रखिएगा गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की दशा नहीं दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सही दिशा के अंदर करियर को लेके जाइए, कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन नर्वसनेस के अंदर मत जाइए, बस बढ़ते जाइए। लाइफ में एक दिन आता है जब कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन कछुए का मतलब निरंतर प्रयास करते रहना है। तो आप जानते हैं सारे लोग क्या जानते हैं, कोई भी इम्तिहान इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, हारा वो जो कभी लड़ा नहीं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।